अरे ये ना बिल्कुल यम्मी, बिल्कुल गाढ़ी टेस्टी दाल। हेलो, हरे हरे महादेव। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, फीवर आ रहा था। आज कोशिश किया हूँ कुछ बनाने का, तो चलिए आपको हाई होप पसंद आए। आज मैं बनाऊंगा साबुत मूंग की दाल, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, बहुत ही टेस्टी लगे, बिल्कुल दाल मखानी का टेस्ट आएगा। तो आप एक बार जरूर बनाइए, वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, टर्न्स एंड ट्विस्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कटोरी साबुत मूंग की दाल ली, ये देखिए, इसे मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धुल लिया है। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है। इसमें हम थोड़ा सा, बिल्कुल हाफ टी स्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, और ये मूंग की दाल डाल देंगे। इसे हमें 2 मिनट तक रोस्ट करना है, धीमी आँच पे, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, इससे एक सौंधीपन की खुशबू आ जाएगी। दाल को मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है मूंग की दाल की। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी दाल ली थी, तो उसी कटोरी से 3 कटोरी हम पानी डालेंगे। ये मैंने पानी डाल दिया। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले लिए हैं, गरम मसाले। इसमें बड़ी इलायची 1 पीस है, 2 छोटी इलायची हरी इलायची है, 1 टुकड़ा जावित्री है, 2 लौंग है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है हाफ। इसे हम डाल दे रहे हैं, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आपको पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए तो आप, जब दाल आपकी बन जाए तब आप यूज़ करें। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, हाफ टी स्पून मैं नमक डाल दे रहा हूँ। बस सबको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं, और मीडियम फ्लेम पे हम 4 सीटी आने देंगे। इसे बंद कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी आने के लिए पकने देंगे। हमारी बहुत अच्छे से पक गई है, ऐसी मैशी होगी। 4 सीटी मैंने लगाए थे, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी दाल 4 सीटी नहीं होती तो आप 1-1 सीटी और लगा लें। मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ले रहा हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया। ये मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, इसे कट कर दिया है मैंने। इसे हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है, भूनना है। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, ये देख रहे हैं। यहीं पे मैंने नारियल का गोला, जो सूखा नारियल आता है, उसे मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर दिया। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इसके साथ ही हम भून लेंगे, अलग से नहीं भूनेंगे इसे। 1-2 मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे मिक्स करके। इसका हमें पेस्ट बनाना है। प्याज और नारियल को मैंने भून के निकाल लिया है, इसका अब हम पेस्ट बनाएंगे। मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बारीक पेस्ट बना ले रहे हैं। कढ़ाई ले ली है, इस पे मैं 2 टीस्पून ऑयल डाल दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे 1 टीस्पून बटर डाल दे रहा हूँ। आप चाहे तो केवल बटर या घी में भी इसे बना सकते हैं। हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब यहाँ मैं 1 तेज पत्ता डाल दे रहा हूँ, 1/2 टीस्पून मैं जीरा डाल दे रहा हूँ। जीरा हमारा थोड़ा अच्छे से भुन जाए। यहीं पे हम चुटकी भर हींग डाल देंगे। हींग डाल दिया मैंने। अदरक लहसुन को मैंने क्रश करके लिया है, आप भी क्रश करके लें, पेस्ट ना लें, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसे हम भून लेते हैं। मिर्च डाल दे रहा हूँ, और ये मैंने 2 टमाटर की प्योरी बना ली है, टमाटर डाल देने हैं अच्छे। ये देखिए मैंने टमाटर डाल दिया। यहीं पे हम मसाले ऐड कर देंगे थोड़े से। ये मैंने 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैं धनिया पाउडर लूँगा। ये मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया, 1/2 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर ले रहा हूँ। बस मसालों को अब हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से भुन गए हैं। यहीं पे हमने जो प्याज और कच्चे ये नारियल का जो पेस्ट बनाया था भुना हुआ, इसे हम मिक्स कर दे रहे हैं, और इसे भी हम 2-3 मिनट तक भून ले रहे हैं अच्छे से। इसे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 50 ग्राम के लगभग ग्रेटेड पनीर लिया है, पनीर डाल दे रहे हैं हम। ये ऑप्शनल है पनीर, मेरे पास बचा था तो मैंने पनीर यूज़ कर लिया है। इसे मिक्स करके हम 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। यहीं पे अब हम कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ी सी, हाथ से रब करके इसे मिक्स कर दे रहे हैं। और यहीं पे जो दाल हमने उबाल के रखी थी, दाल डाल दें। दाल में मैंने थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स कर लिया है। ये देखिए दाल हमने डाल दी यहाँ पे। स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। नमक मैंने दाल उबालते समय भी डाला था,
इसे अच्छे से मिक्स करते रहे हैं हम, और इसे अब हम ढक कर 5 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, दाल को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से पक गई है और मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे अब हम हरी धनिया डाल दे रहे हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, ये मैंने घर की मलाई ली है, आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो फ्रेश क्रीम डाल दें, थोड़ी सी मैंने फ्रेश क्रीम डाल दी है। इसे मिक्स कर दे रहे हैं, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये दाल। बस गैस की फ्लेम ऑफ कर दे रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस डाल दे रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। बस बनकर तैयार है हमारी दाल, साबुत मूंग की दाल बनकर बिल्कुल तैयार। ये देखिए बिल्कुल ये दाल मखानी जैसा इसका टेक्सचर टेस्ट में तो लाजवाब होती है। आप बनाइए, बना के खाइए, तब आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी होती है ये दाल। पसीने से हालत बिल्कुल ख़राब है, जाऊँगा नहाऊँगा फिर मैं टेस्ट करूँगा फिर खाऊँगा। तो चल, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, डैम डिलीशियस बाय संदीप पांडे। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट भी ज़रूर करिए कि आपकी कमेंट से ना एक पोटेंशियल आती है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। चलिए बातें बहुत हो गई, भूख भी लग गई है, चलता हूँ नहाने खाने, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।